विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटे शिक्षकों से सीएम अरविंद केजरीवाल का सीधा संवाद। जाने क्या कुछ बोले सीएम केजरीवाल। हमारे देश में एक हमेशा से सामंतवादी सोच चली आ रही है कि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को विदेश भेजने की क्या जरूरत है। जैसा मनीष जी ने अभी बताया कि पहले ट्रेनिंग के नाम पे सेमिनार होते थे, कोई स्टेडियम हायर कर लेते थे, बड़ा सा हॉल हायर कर लेते थे, उसमें 1,000-1,500 टीचर्स या प्रिंसिपल्स को इकट्ठा कर लेते थे, किसी एक बाहर से स्पीकर को बुला लेते थे, वो घंटा दो घंटा लेक्चर दे के चला जाता था। आप भी जब तक हॉल से बाहर निकलते थे आधी चीज याद रहती थी, आधी चीज नहीं याद रहती थी। अभी उपाध्याय साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप वहां जाके ट्रिनिटी की लैब देखते हो, जब आप वहां जाके न्यूटन ने जिस पेड़ से सेब गिरा उस पेड़ को देखते हो, स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज देखते हो, तो वो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस होता है, वो यहां पे एक सेमिनार के जरिए उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। तो सेमिनार में ज्ञान तो मिलता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, अनुभव नहीं मिलता। अनुभव में और ज्ञान में बहुत फर्क है। कान से सुना हुआ ज्ञान तो एक दिन रहता है, 24 घंटे रहता है, 48 घंटे रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो फिनलैंड होके आए, जो कैम्ब्रिज होके आए, जो सिंगापुर होके आए, वो एक जिंदगी भर का अनुभव है, वो अनुभव हमेशा अपने साथ रहता है। और जो ऊर्जा आप लोगों को मिलती है उसका कोई कहना ही नहीं। तो एक ये पहले ये था भाई, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को टीचर्स को बाहर भेजने की क्या जरूरत है, उसको हमने तोड़ा है। पहली बार दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दुनिया में जहां अच्छा काम सुनने को मिलता है मनीष जी को और इनकी टीम को कि यहां टीचिंग में अच्छा काम हो रहा है, यहां एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, उसमें आप लोगों को भेजते हैं, हम नहीं जाते। मेरे को आज 8 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 8 साल में 2 बार विदेश गया हूं। एक बार जब मदर टेरेसा की डेथ हुई थी तो रोम गया था, इटली गया था, और एक बार साउथ कोरिया गया था, बस 2 बार गया हूं। मेरा मकसद है आप लोग विदेश जाओ, मेरे विदेश जाने से क्या होगा, मेरे विदेश जाने से नहीं तो बाकी नेता जो है महीने में 2 चक्कर तो लगा ही आते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं 5 साल के अंदर। तो मेरे को विदेश जाने का शौक नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे टीचर्स विदेश जाएं, मैं चाहता हूँ मेरे प्रिंसिपल्स विदेश जाएं। तो पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस हम आपको देना चाहते हैं। और अभी एक लास्ट में एक टीचर जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थी वो बता रही थी, हमें अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश के स्कूलों से कम्पीट नहीं करना, हमें अब दुनिया के स्कूलों से कम्पीट करना है, हमारा सपना अब वो है। एक टाइम था जब हम चाहते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बने, वो तो बन गए। दिल्ली के बहुत सारे बच्चे, अब मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में, पता नहीं पिछले 3-4 साल के अंदर 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाए हैं। ये आप लोगों की मेहनत है, ये सब आप लोगों की मेहनत है। सो हम ये चाहते थे कि पहले तो सोचते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बने, वो बन गए। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्व के सबसे अच्छे स्कूल बने, पूरी दुनिया भर से लोग अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी, हम बेस्ट बेस्ट की कल्पना करेंगे ना, हम सबसे अच्छे की कल्पना करेंगे ना। अगर प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स विदेश जा सकते हैं तो हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को विदेशों की ट्रेनिंग क्यों नहीं देनी चाहिए। जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सपोजर हम आपको देंगे।